हेलो फ्रेंड्स, तो फाइनली ठाकरे फिल्म के ट्रेलर को रिलीज कर दिया गया। वेल, तो क्या है इस ट्रेलर में डिटेल और ट्रेलर देखकर मेरी क्या राय है उस बारे में चलिए कुछ बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, ठाकरे फिल्म को दो भाषा में रिलीज किया जाएगा, एक हिंदी और दूसरी ऑब्वियसली मराठी। लेकिन आप सभी को पता है कि इस फिल्म में बाला साहब का रोल कर रहे नवाजुद्दीन सिद्दीकी को उतनी अच्छी मराठी नहीं आती है, इसलिए मराठी डबिंग का जिम्मा उठाया है सचिन खेरकर ने। लेकिन यहाँ बात करें फिल्म के हिंदी ट्रेलर की, तो ट्रेलर में हमें नो डाउट नवाजुद्दीन बाला साहब ठाकरे की ही तरह दिख रहे हैं और इसका पूरा क्रेडिट मेकअप आर्टिस्ट प्रीति को जाता है, क्योंकि उन्होंने छोटी से छोटी डिटेल्स पर भी काफी ज्यादा ध्यान रखा है बाला साहब ठाकरे। चाहे आप यहाँ पर बात कर लो बाला साहब ठाकरे की घड़ी पहनने के अंदाज को या पूरे के पूरे कॉस्ट्यूम्स को, लेकिन पकड़ बनाने में नवाजुद्दीन ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है कि बाला साहेब ठाकरे किस तरीके से स्टेज पर आकर लोगों को हाथ दिखाते थे और फिर उनके कुर्सी पे बैठने का अंदाज, सभी चीज बिल्कुल सेम है। बस प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर ये लगी कि हिंदी ट्रेलर में नवाजुद्दीन की वॉइस में वो दम नहीं है जो दम हमने बाला साहेब ठाकरे की आवाज में देखा था, क्योंकि जब वो बोलते थे तो सामने खड़ा हर एक इंसान डरने लगता था, चाहे वो ये बात माइक से कहे या फिर बिना माइक के, उनकी आवाज हर जगह गूंजती थी। तो बस इस ट्रेलर से मैं इतना ही डिसअपॉइंट हुआ हूँ, क्योंकि हमने तो पूरी फिल्म देखी नहीं है, जिस हिसाब से मैं आपको फिल्म के भी बारे में बताऊं कि फिल्म की स्टोरी किस तरीके से सच दिखाई गई है या झूठ। जी हाँ, क्योंकि ये एक बायोपिक फिल्म है, डेफिनेटली बॉलीवुड फिल्मों में बायोपिक फिल्में बनती तो है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ नाम के लिए, क्योंकि बायोपिक फिल्मों में कुछ ज्यादा अच्छा दिखाया नहीं जाता। और अगर कोई बायोपिक फिल्म बनाने के लिए निकलता है तो लोगों को फिल्म उतनी ज्यादा पसंद नहीं आती। एग्जाम्पल यहाँ पर ले लो सचिन तेंदुलकर पर बनी बायोग्राफिक फिल्म सचिन अ बिलियन ड्रीम्स की, जिस फिल्म को देखने के बाद काफी लोगों ने ये कहा था कि पुरानी वीडियो क्लिप्स को उठाकर पूरी के पूरी फिल्म दी गई है। इसलिए अब हमारे इंडिया में ज्यादातर तो डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनती नहीं है, और अगर बनती है तो वो संजू, मैरी कॉम, एमएस धोनी और अजहर जैसी बनती है। और अगर कोई अच्छा डायरेक्टर बायोपिक फिल्म को काफी अच्छी तरीके से दिखाने की कोशिश करता है तो वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिखा पाती। यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे पहला नाम आता है शुरमा का, जो फिल्म हर एक एंगल से बिल्कुल परफेक्ट थी, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उतनी अच्छी तरीके से नहीं चल पाई। तो इस पॉइंट से आपको समझ आ गया होगा कि मैं आपको असल में क्या बता रहा हूँ, बॉलीवुड में डॉक्यूमेंट्री फिल्मों को किस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। लेकिन यहाँ पर बात करें फिल्म ठाकरे की, तो फिल्म ठाकरे को असल में डायरेक्ट किया है शुभजीत पाशे ने, जिनकी ये दूसरी फिल्म है, और पहली उनकी फिल्म थी मराठी रेगे, जिस फिल्म ने काफी नाम कमाए थे। तो अगर आपने रेगे फिल्म देखी है तो आपको पता होगा कि शुभजीत पाशे ने इस फिल्म का डायरेक्शन कैसा किया होगा, क्योंकि उनके डायरेक्शन पर मुझे पूरा भरोसा है। लेकिन बात करें फिल्म की स्टोरी की, तो ट्रेलर में हमें बाला साहेब ठाकरे का हर एक रूप दिखाया जाता है कि कैसे शुरुआती दिनों में बाला साहेब ठाकरे ने बम्बई में अपनी पकड़ बनाई थी, क्योंकि उस टाइम की बम्बई काफी ज्यादा अलग थी, क्योंकि 60s में बाला साहेब ठाकरे ने ये देखा था कि बम्बई में ज्यादातर तो वैल्यू दूसरे कास्ट वालों की है, जैसे कि साउथ इंडियन, गुजराती, मुस्लिम्स, ऐसी और भी अदर रिलीजन थी, लेकिन इन सब में सबसे पीछे थे मराठास। जिसके बाद बाला साहेब ठाकरे ने अपनी नौकरी छोड़ने का फैसला कर लिया, क्योंकि वो उन दिनों कार्टून आर्टिस्ट का काम करते थे। और फिर ईयर 1966 में बाला साहेब ठाकरे ने शुरू की अपनी पॉलिटिकल पार्टी, जिस पार्टी का नाम रखा गया शिवसेना। वेल, तो अब ऐसा नहीं है कि ये सारी की सारी घटना मैं आपको मनगढ़ंत बता रहा हूँ, ये सभी बातें हुई है और वही चीज इस फिल्म के डायरेक्टर ने हमें बताने की कोशिश की है, क्योंकि बाला साहेब ठाकरे काफी सारी कॉन्ट्रोवर्सीज में भी फंसे थे। चाहे आप यहाँ पर बात कर लो यही मराठा वाले इंसिडेंट्स की, कि किस तरह बाला साहेब ठाकरे ने सभी मराठाओं को उनका हक दिलाया था, इसलिए आज भी बाला साहेब ठाकरे को उनके फॉलोअर्स भगवान की फोटो के बाजू में ही जगह देते हैं। इससे आपको पता चल जाना चाहिए कि बाला साहेब ठाकरे की शख्सियत क्या है। और अगर इस फिल्म में जरा सी भी ऊंच नीच दिखाई गई तो बाला साहेब ठाकरे के फॉलोअर्स इस फिल्म का क्या हाल करेंगे आप सभी को पता है। लेकिन मुझे लगता है ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये फिल्म अंडर बनी है संजय राउत के, जो शिवसेना पार्टी के ही मेंबर है, और उन्होंने ही फिल्म के डायरेक्टर और राइटर अभिजीत पाशे की मदद की है इस फिल्म की स्टोरी को लिखने में। तभी तो इस फिल्म की स्टोरी को कंप्लीट करने के लिए पूरे एक साल लग गए, क्योंकि हर बार फिल्म के राइटर और डायरेक्टर अभिजीत पाशे को हर एक स्टोरी की एनालिसिस करने के लिए बाला साहेब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे के पास भी जाना पड़ता था, और फिर कुछ करेक्शंस होने के बाद फिल्म की स्टोरी को आगे बढ़ाया जाता था। तो अब नो डाउट इस फिल्म में हमें काफी सारी कॉन्ट्रोवर्सीज भी देखने मिलने वाली है। चाहे आप यहाँ पर बात कर लो क्रिकेटर जावेद मजीद और बाला साहेब ठाकरे के बीच की वो कॉन्ट्रोवर्सी, उसके बाद 70s के प्राइम मिनिस्टर मुरारजी देसाई को खुली चेतावनी, यहाँ तक कि इंदिरा गांधी की बीच की मीटिंग भी हमें इस ट्रेलर में दिखाई गई है। और आपको ये भी पता होगा कि इस फिल्म के मराठी ट्रेलर को भी रिलीज किया गया है, जिस ट्रेलर में हमें और भी ज्यादा डिटेल्स देखने मिलती है। और उसके बाद बाला साहेब ठाकरे का सबसे कॉन्ट्रोवर्सी केस बाबरी मस्जिद का, जिसके बाद 92 में बॉम्बे में दंगे हुए थे। वेल, तो इस रीटो से ज्यादा फायदा बीजेपी को हुआ था और बाला साहेब ठाकरे अब भी अपनी जगह पर बिल्कुल कायम थे। मुझे लगता है इन सब कॉन्ट्रोवर्सी के अलावा हमें बाला साहेब ठाकरे का एक अलग रूप भी दिखाया जाएगा, क्योंकि सभी लोग
लोगों ने बाला साहेब ठाकरे को एज लीडर ही देखा है, लेकिन पर्सनली बाला साहेब ठाकरे को सिर्फ उनके करीबी ही जानते थे, जैसे कि फैमिली मेंबर और दोस्त और रिश्तेदार। तो अब इस फिल्म को बनाने का मकसद ये है कि लोग इस फिल्म को देखने के बाद बाला साहेब ठाकरे की पर्सनल लाइफ पर भी थोड़ा फोकस दे और महाराष्ट्र की हर एक आने वाली जनरेशन को ये पता चले कि बाला साहेब ठाकरे कौन थे और उन्होंने कैसे बंबई क्या पूरे महाराष्ट्र में अपना दबदबा बनाया था, जिसे काफी लोग गुंडागर्दी भी कहते थे। तो बाला साहेब ठाकरे उन सब के लिए गुंडे थे और अच्छे के लिए वो एक बेस्ट लीडर। तो अब मैंने आपको ये सारी बातें क्यों बताई, क्योंकि मुझे लगता है कि महाराष्ट्र के अलावा बाला साहेब ठाकरे को और कोई भी ज्यादा करीब से नहीं जानता है, इसलिए इस फिल्म को हिंदी में बनाकर बहुत ही अच्छा काम किया गया है, ताकि लोगों को सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं हमारे इंडिया के हर एक कोने में पता चले कि बाला साहेब ठाकरे कैसे थे और कैसे उन्होंने अपना नाम बनाया। और मुझे लगता है मेरी इन सारी डिटेल से आपको ये ट्रेलर और भी अच्छी तरीके से समझ आएगा, क्योंकि मैंने जो भी पॉइंट्स इस वीडियो में बताए हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स हमें ट्रेलर में दिखाए गए हैं। यहाँ पर मैं बात हिंदी और मराठी दोनों ट्रेलर की कर रहा हूँ, और अगर बाकी की जो भी डिटेल मिस हुई है मैं उसे क्विक फॉरवर्ड कर आपको बताता हूँ। जैसे कि ये सीन जहाँ पर हमें दो रंग के कपड़े नजर आते हैं, अगर आप इसे ऐसे ही देखो तो, लेकिन अगर आप इसे लॉजिक लगाकर देखो तो एक तरफ है हमारे मुसलमान भाई और दूसरी तरफ है हमारे हिंदू भाई और बीच में पड़ा है खून। यानी यहाँ पर डायरेक्टर ये समझा रहे हैं कि लड़ाई किसकी भी हो नुकसान सिर्फ और सिर्फ इंसानियत का ही होता है। उसके बाद इस सीन में हम देख सकते हैं शिवाजी पार्क, जहाँ पर हर साल दशहरे के वक्त बाला साहेब ठाकरे आकर एक बेस्ट स्पीच देते थे, जिस स्पीच पर दिल्ली में बैठे हर एक पॉलिटिकल की नजर होती थी। और यहाँ पर कलर करेक्शन पर भी काफी ज्यादा ध्यान दिया गया है, क्योंकि ईयर 60s के टाइम तक बाला साहेब ठाकरे ने पूरा भगवा रंग नहीं अपनाया था, वो ज्यादातर तो हमें सफेद कलर के कुर्ते में ही नजर आते थे। और फिर 60s के टाइम का एरोस थिएटर, जहाँ पर हमें फिल्म नजर आ रही है मनोज कुमार की शहीद और दूसरी है इंग्लिश फिल्म जिसका नाम है किंग रॉबिन, लेकिन ऐसी कोई भी फिल्म हॉलीवुड में तो नहीं है, लेकिन फिर भी इस फिल्म को यहाँ पर इसलिए दिखाया गया है क्योंकि उस टाइम पर मराठी टॉकीज ज्यादातर तो मुंबई में यानी बॉम्बे में नहीं थे उस टाइम पर, और लोग यानी डिस्ट्रीब्यूटर्स मराठी फिल्मों से काफी दूर भागते थे। तो जो बॉम्बे 60s के पहले थी वो बाला साहेब ठाकरे के आने के बाद पूरी तरीके से बदल गई थी, क्योंकि हमें ट्रेलर में वो सीन भी दिखाया जाता है जहाँ पर बाला साहेब ठाकरे थिएटर्स के ओनर और डिस्ट्रीब्यूटर्स की क्या हाल करते हैं, क्योंकि उस टाइम पर ज्यादातर तो जैसे कि मैंने आपको बताया हिंदी और हॉलीवुड की फिल्में ही रिलीज की जाती थी, लेकिन मराठी फिल्मों को ज्यादातर डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं खरीदते थे। तो हमें यहाँ पर इस ट्रेलर में एक कॉन्ट्रोवर्सी दिखाई गई है, 1971 की फिल्म तेरे मेरे सपने, जो उस टाइम पर कोहिनूर टॉकीज में लगी हुई थी, और उसके बाद बाला साहेब ठाकरे ने उस फिल्म को उतार कर दादा कोंडके की फिल्म सोंगाड़िया को रिलीज किया था। और शायद इस सीन में जो पीछे एक्टर खड़ा है वो शायद इस फिल्म में रोल कर रहे हैं दादा कोंडके का, और इस सीन में तो डेफिनेटली हम देख सकते हैं उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को। वेल, तो ये थी सारी की सारी डिटेल इसके हिंदी ट्रेलर की। अब बढ़ते हैं मराठी ट्रेलर की तरफ, जिस ट्रेलर में हमें ये दिखाया गया है कि जब बाला साहेब ठाकरे बम्बई आए थे तो बम्बई में बोर्ड्स पर मराठी नहीं लिखी जाती थी, ज्यादातर तो वहाँ पर जगह इंग्लिश तमिल और पंजाबी को दी जाती थी, और यहाँ तक कि साउथ इंडियन लोग अपने होटल में काम करने के लिए आदमी भी गाँव से ही लाते थे, और ऑफिस में काम करने के लिए भी ज्यादातर मराठास को नहीं रखा जाता था। उसके बाद आगे हम देख सकते हैं कि वो एयर इंडिया वाली कॉन्ट्रोवर्सी भी हमें इस ट्रेलर में दिखाई जाती है, जहाँ पर कैसे बाला साहेब ठाकरे जाकर एयर इंडिया के ओनर को धमकाते हैं, जिसके बाद मराठी यूथ को भी वहाँ पर काम मिलने लगा। वेल, तो ये है दोनों ट्रेलर की डिटेल। और नवाजुद्दीन सिद्दीकी के अलावा हमें इस फिल्म में नजर आने वाली है अमृता राव, जो इस फिल्म में रोल करने वाली है बाला साहेब ठाकरे की वाइफ मीनाताई ठाकरे का। इनके अलावा हमें और दो जाने माने एक्टर नजर आए, एक है राजेश खेरा जो इस फिल्म में रोल कर रहे हैं मुरारजी देसाई का, और उसके बाद दूसरे एक्टर है प्रकाश भेलवाड़ी, जिनका इस फिल्म में रोल क्या है उसकी डिटेल तो फिलहाल नहीं दी गई है। तो अब इस फिल्म को देखने के बाद ही हमें पता चलेगा कि बाला साहेब ठाकरे की स्टार्ट टू एंड जर्नी कैसी थी, क्योंकि ट्रेलर में हम उनके काफी अलग अलग रूप देख सकते हैं और कैसे उन्होंने पूरे महाराष्ट्र पे अपना राज बनाया था। तो अब बस पूरी के पूरी उम्मीद टिकी हुई है सेंसर बोर्ड पर, सेंसर बोर्ड इस फिल्म को किस नजर से देखेगा और ऐसे कौन से सीन पर वो अपनी सेंसर की कैंची चलाएगा। खैर, तो वेट करते हैं 25 जनवरी का, जब हमें ये फिल्म थिएटर में देखने मिलेगी, जिसके बाद हमारे सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि इस फिल्म को वेल डायरेक्ट के साथ वेल प्रेजेंट किया गया है या नहीं। तो अब बस इस वीडियो में इतना ही, आपकी क्या राय है इस फिल्म को लेकर उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि मैंने वो कौन सी चीजें मिस कर दी इन दोनों के दोनों मराठी और हिंदी ट्रेलर्स में। तो अब जाते जाते मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और लगे हाथों उस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं इस चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है इस फिल्म से रिलेटेड तो वो चीज आप मुझसे मेरे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट पर आकर पूछ सकते हैं, जहाँ पर मैं ये कोशिश करता हूँ कि आपके सभी सवालों के जवाब टाइम पर दे पाऊँ। तो अगर आपको जल्दी वहाँ पर मेरा रिप्लाई ना मिले तो आप टेंशन मत लीजिएगा, मैं सभी के कमेंट पढ़कर ही आपको रिप्लाई करता हूँ, तो उनमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ज्यादातर तो रिप्लाई मैं इंस्टाग्राम पर ही देता हूँ। तो आप कोशिश कीजिए कि आप मुझे इंस्टाग्राम पर ही आकर सवाल पूछें। तो अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, टिल देन बाय।